एक सबसे विशेष चीज मैं आपको बता दूं, बाकी कार्यक्रम तो जैसे अपने होते थे वही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी करने का एक कारण था कि शोभा यात्रा के जो संयोजक हैं गोविंद कोठारी जी, उन्होंने शोभा यात्रा को मंदिर को समर्पित कर दिया। इस बार मंदिर शोभा यात्रा निकाल रहा है, इसलिए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कार्यक्रमों पर चलता हूँ। कार्यक्रम श्री गणेश जी मोती डोंगरी का जन्मोत्सव दिनांक 25 अगस्त 2017 शुक्रवार को, 5 दिन के जो कार्यक्रम हैं उनमें 20 अगस्त को पक्ष नक्षत्र विशेष अभिषेक ध्वजारोहण एवं ध्वजपूजन। प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वजा पूजन क्या, ध्वजा में भगवान के मूषक रहते हैं और जो भगवान की सवारी होती है वही ध्वज होता है, तो ध्वजारोहण से सबसे पहले शुभारंभ। तो सोच भगवान के इसमें 500 किलो दूध है, 150 किलो दूध भोग में काम रहता है, 251 किलो दूध पक्ष पंचामृत स्नान में। इसके बाद भगवान के मोदक चढ़ाने का जो कार्यक्रम है वो 4 रोज चलेगा, 24 तारीख 23 अगस्त को मोदक झांकी है, इसमें विशेष जो मोदक हैं वो 251 किलो के, 5 मोदक 51 किलो के, 21 मोदक 21 किलो के और फिर छोटे मोदक जो हैं उनकी झांकी है। इसका भी जो झांकी का महत्व है वो कटले जो कटला पहनते हैं पुराने जमाने में उसका एक स्वरूप होता है। अपन अगर पुरानी झांकी देखें उसको गौर से देखें तो साइड में भगवान के मोदक सजे हुए हैं वो चैन की जैसे हैं और नीचे कटा होता है। इस वक्त बाहर का प्रसाद नहीं चढ़ेगा, मंगल आरती प्रातः 5 बजे, शनिवार आरती 10:30 बजे, भोग आरती 12:30 बजे, संध्या आरती 7:10 पर, शयन आरती 11। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का कार्यक्रम है। इसके मंदिर में एक विशेष अभी एक नया हॉल बना है, आप लोग चाहें तो बहुत के बाद में उसको देख सकते हैं, उसके अंदर ही कार्यक्रम होगा। मेहंदी पूजन है 24 तारीख 7 बजे मेहंदी पूजन होगी, भगवान के उसी रोज सिंहासन पर विराजमान होते और जो पारंपरिक मुकुट है स्वर्ण मुकुट वो धारण करेंगे। 23 अगस्त को जो हीरे बनने का जो मुकुट है वो 2 साल से धारण हो रहा है, बिल्कुल नया है, आप चाहे तो उसकी 22 तारीख को फोटो ले सकते हैं, 23 को सुबह से वो धारण। इसमें मेहंदी वितरण का कार्यक्रम मेहंदी पूजन के साथ ही चालू होगा, 9 बजे ये समाप्त हो जाएगा। पच्चीस अगस्त को 4 बजे मंगला आरती है भगवान के जन्मोत्सव के रोज, विशेष पूजन 11:25 पर होगी, श्रृंगार आरती 11:30 पर होगी, भोग आरती 3 बजे, संध्या आरती 7 बजे, शयन आरती 11:45। इसके बैरिकेडिंग आप लोगों ने पिछली बार भी बहुत उम्मीद हो गई होगी कि आपके बैरिकेडिंग सारी मंदिर ने नहीं करवा दी है, उसकी ये करीब 15 किलोमीटर की बैरिकेडिंग हो जाती है वो बनवानी है। 26 तारीख को शोभा यात्रा, शोभा यात्रा में आपके जो विशेष करा गया है उसमें आज की तारीख तक हमने 20 इलेक्ट्रॉनिक झांकियाँ जो दर्शनीय हो वो लगाने का एक आठ निर्णय लिया है और उसको बनाने के लिए ऑर्डर भी दे दिया और 10 झांकी अगर और बनाने वाला मिला तो हम उसको बनवाएंगे। ये मंदिर ट्रस्ट की ओर से निकाली जाएगी।
इसके अंदर एक कमेटी, संयोजन कमेटी बनाई गई है जो संचालन करेगी, दामोदर जी मोदी, श्री सीताराम जी, श्री गोविंद जी बेरेवाल, श्री राम प्रकाश भारद्वाज, श्री रामेश्वर जी गोयल, श्री प्रताप रामजी शेखावत, श्री मनोज जी शर्मा एडवोकेट, श्री सतीश जी अग्रवाल, श्री सुभाष जी शर्मा, श्री राम गोपाल जी, श्री मोहनलाल जी बाला है। ये कमेटी इस वर्ष इसका संचालन करेगी। इसकी समय समय पर आपको सूचना और प्रोग्राम जैसे भी होंगे वो आगे आपको दे दीजिए, ताकि सुरक्षाओं के लिए जैसे आपको सब कुछ दिख जाए, इसमें जिसमें कैमरे परमानेंट लगे हुए हैं, DFMD परमानेंट लगे हुए हैं, पुलिस वाले भी अपने DFMD लाते हैं, और मंदिर को की तरफ से कुछ और कैमरे यहाँ लगाए जाते हैं, निशक जनों के लिए अपन इलेक्ट्रिक रिक्शा लगाते हैं उसको, और पास की लाइन एक अलग से लाइन है वो उसी रोड पर। ये नक्शा एक जो नया है, ये नक्शा क्योंकि अभी तो आपके काम का है नहीं, ये नक्शा आपके आने जाने की जो व्यवस्था होगी उसके हिसाब से, इसमें जहाँ जहाँ तक लेंस जाएंगी, JDA तक जाएगी इधर, और तख्तेशाही पे जाएगी आदि तख्तेशाही तक, और इधर दादर विद्यालय तक ये लाइन्स की बैरिकेड जाएगी। बाकी तो आपको इंटरेस्ट होगा तो आपकी इच्छा।